हेलो गाइस, मैं पीयूष अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है जो इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में चेंजेस हुए हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। वो हम आज क्लैरिटी के साथ समझेंगे कि क्या एक्चुअल में क्या चेंज है इन द इनकम टैक्स स्लैब रेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड असेसमेंट ईयर 2021-22। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के अंदर एक ऑप्शन रखा था इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के सामने सेक्शन 115 BAC के थ्रू, जिसमें कि ऑप्शन दिया गया था इंडिविजुअल्स को टू चूज अ न्यू स्लैब रेट। ये एक ऑप्शन था, वो जो पुरानी वाली स्लैब रेट्स हैं उनको हटाया नहीं गया था, जबकि एक नई स्लैब रेट इंट्रोड्यूस की गई थी और एक ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप पहले वाली जो एग्जिस्टिंग स्लैब रेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपना इनकम टैक्स पे कर सकते हैं, या फिर नई स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग भी आप अपना इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या वो ऑप्शन था और किस तरीके से उसको चूज करना चाहिए। तो एज यू कैन सी इन दी स्क्रीन, अमेंडमेंट्स टू टैक्स रेट्स, अमेंडमेंट टू टैक्स रेट्स। तो देखिए, सबसे पहली बात, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ऑप्शन दिया है। इट्स एन ऑप्शन, यानी इट्स नॉट अ कंपलसरी स्लैब रेट, इट्स एन ऑप्शन। आप पहले वाली स्लैब रेट भी रख सकते हैं और ये वाली स्लैब रेट्स में भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ऑप्शन दिया है, गिविन एन ऑप्शन टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ असेसीज टू चूज फ्रॉम वन आउट ऑफ टू स्लैब रेट्स। दो स्लैब रेट्स में से एक स्लैब रेट आप चूज कर सकते हो। अब बात आती है कि आपको चूज कब करना है। तो देखिए, जब आपको जिस प्रीवियस ईयर के लिए नई स्लैब रेट में जाना है, 115 BAC में ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो जब भी आपको नई स्लैब रेट में जाना है तो उस प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा। अगर आप इन ऐसे पर्सन हैं जिसकी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हेड है, बिजनेस और प्रोफेशन से जिसकी इनकम हो रही है, उसने अगर एक बार एक प्रीवियस ईयर के लिए ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, तो उस प्रीवियस ईयर के साथ साथ बाकी के जो सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन वैलिड रहेगा। यानी अगर मैं इन शॉर्ट कहूं तो अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो जिसकी इनकम पीजीबीपी हेड से नहीं है, तो यू हैव ऑप्शन कि आप हर साल चाहे तो नई नई स्कीम चूज कर सकते हैं, चाहे आप पुरानी स्कीम चूज कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसकी इनकम पीजीबीपी हेड से है, तो अगर आपने एक बार ये ऑप्शन चूज कर लिया, एक प्रीवियस ईयर के लिए 115 BAC का ऑप्शन चूज कर लिया, नई स्लैब रेट चूज कर ली, देन आप पुरानी स्लैब रेट पे स्विच नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाकी के अनदर सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए भी ये ऑप्शन आप पे वैलिड रहेगा। देन बात आती है कि हम थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या था जिसमें हम अभी तक टैक्स पे करते आ रहे थे, और नया ऑप्शन क्या है, और उसमें क्या क्या अलाउड है, क्या क्या डिसअलाउड है। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रेजेंट सिनेरियो ऑप्शन वन विद ऑल एग्जेम्पशन, ऑल एग्जेम्पशन यानी जितने भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं वो सारे अलाउंसेस, एचआरए वगैरह, एटीसी की डिडक्शंस, जो एलआईसी की डिडक्शंस मिलती हैं, वो सारी की सारी ऑप्शन वन में, यानी जो पहला ऑप्शन है, यानी जो एग्जिस्टिंग ऑप्शन है, जो हम अभी तक पे करते हुए आ रहे हैं जिस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, इसमें तीन कैटेगरीज होती हैं। एक होता है इंडिविजुअल अप टू द एज ऑफ 60, एक होता है सीनियर सिटीजन 60 से ऊपर वाला, एक होता है सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 ईयर से अबव होता है। और सबके लिए जो स्लैब रेट्स हैं उसमें जो बेसिक एग्जेम्पशन है वो अलग अलग है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो इंडिविजुअल 60 साल से नीचे वाला था या जो एचयूएफ है उसके लिए क्या स्लैब रेट थी। तो देखिए, सबसे पहले एक बात, अप टू 2.5 लाख निल था, 2.5 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं पे करना था। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% का हमें इनकम टैक्स देना होता था। 5 लाख से 10 लाख तक 20% और एवव 10 लाख 30%। ये हमारी इंडिविजुअल अप टू द एज ऑफ 60 और एचयूएफ के लिए करंट स्लैब रेट है। देन आता है सीनियर सिटीजन के लिए। तो सीनियर सिटीजन के लिए अप टू थ्री लाख निल था, यानी 3 लाख बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट थी। 3 लाख से 5 लाख तक के बीच में 5% का टैक्स था, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% का टैक्स था, और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स था। वहीं अगर हम बात करते थे सुपर सीनियर सिटीजन की, तो सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख तक निल टैक्स था, यानी उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी थी, 5 लाख थी। 5 लाख से 10 लाख 20% डायरेक्टली टैक्स लगता था, और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगता था। यानी अलग अलग कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स के हिसाब से अलग अलग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हमें यहाँ पे दी गई थी। प्लस
इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था सेक्शन 87A। देखिए नीचे लिखा हुआ है नोट में कि इफ द इनकम ऑफ सच टैक्स पेयर डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज देन नो टैक्स वुड बी पेबल आफ्टर वेलिंग द बेनिफिट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 87A में आपको रिबेट मिल जाती थी 12,500 रुपए तक की, और 5 लाख तक की अगर आपकी टैक्सेबल इनकम होती थी उस केस में आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती थी। 5 लाख तक की आपकी सारी इनकम क्या हो जाती थी, नॉन टैक्सेबल हो जाती थी आफ्टर वेलिंग द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 87A। ये है करंट सिनारियो, ये है करंट सिनारियो जिसमें आप अभी तक टैक्स पे कर रहे थे। ये हटा नहीं है, ये आज भी है, एज एन ऑप्शन है। आप चाहें तो करंट सिनारियो में जैसे टैक्स पे कर रहे थे वैसे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं प्रपोज्ड सिनारियो पे, जो अमेंडेड सिनारियो है उसमें क्या कहते हैं, जो है हमारा ऑप्शन टू। ये ऑप्शन टू किस तरीके से दिया गया है, ये सेक्शन 115BAC एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करके फाइनेंस मिनिस्टर ने आपको प्रपोज किया है कि आप चाहें तो इस नए स्लैब रेट के अकॉर्डिंग भी टैक्स पे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात, ये भी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स और HUF पे अप्लाई होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें नोट करने वाली ये बात ये है कि इसमें सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन या लेस देन 60 इयर्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। यानी कोई भी इंडिविजुअल है उसकी एज कुछ भी है, ये स्लैब रेट्स उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। देखिए क्या है, अप टू 2.5 लाख निल, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। देन आता है 2.5 लाख से 5 लाख तक, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स है। देन आता है 5 लाख से ऊपर 7.5 लाख तक, 5 लाख से 7.5 लाख तक हमारा 10% का टैक्स है। 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% का टैक्स है। 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% का टैक्स है। 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% का टैक्स है, और 15 लाख से ऊपर है 30% का टैक्स। यानी हर 2.5 लाख रुपए की इनकम इंक्रीज होगी, आपका जो 5% टैक्स रेट है वो बढ़ जाएगा। हर 2.5 लाख की इनकम इंक्रीज से आपका 5% का टैक्स रेट बढ़ रहा है नई स्लैब रेट के अंदर। ये है नई स्लैब रेट। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड हियर, विदाउट एनी डिडक्शन और एग्जेम्पशन। यानी आपको इसमें बहुत सारी एग्जेम्पशन और डिडक्शन जो अभी तक ऑप्शन वन में मिल जाती थी वो इस ऑप्शन टू में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत सारी डिडक्शन अलाउंसेस नहीं मिलेंगी। अब बात आती है सरचार्ज। तो देखिए सरचार्ज दोनों ही ऑप्शन में सेम रहेगा। सरचार्ज होता क्या है, देखिए जैसे एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है @ 4% ऑन द टैक्स अमाउंट, उसी तरह से सरचार्ज लगता है ऑन द टैक्स अमाउंट। जो टैक्स लगता है वो लगता है ऑन द इनकम अमाउंट, लेकिन जो सरचार्ज है वो लगता है ऑन द टैक्स अमाउंट। राइट, ऑप्शन वन हो या ऑप्शन टू हो, दोनों ही केसेस में सेम सरचार्ज का रेट है। देखिए क्या है सरचार्ज का रेट, 50 लाख से 1 करोड़ तक अगर आपकी इनकम है 10% सरचार्ज है। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक आपकी इनकम है 15% सरचार्ज है। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक इनकम है तो आपकी 25% सरचार्ज है, और 5 करोड़ से ऊपर है तो 37% सरचार्ज का रेट है। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीजें ऑप्शन टू में अलाउड नहीं है, क्या क्या चीजें ऑप्शन टू में अलाउड नहीं है। तो देखिए जो आपको लीव ट्रेवल कंसेशन, प्लीज स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं वो सारे आइटम्स जो आपके इसमें अलाउड नहीं होंगे। तो जो लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता था आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में, वो अब आपको अलाउड नहीं होगा। सिमिलरली हाउस रेंट अलाउंसेस, जिसको हम मोस्ट पॉपुलरली सब लोग ही HRA क्लेम करते हैं, वो HRA भी ऑप्शन टू में अलाउड नहीं होगा। देन जो भी अलाउंसेज, एक्स्ट्रा अलाउंसेज आपको मिलते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में, जो कंडीशंस कॉम्प्लाई करने के बाद एग्जेम्पशंस मिल जाती है, वो भी आपको इस ऑप्शन टू में अलाउड नहीं होगी। जो अलाउंसेज MPs और MLAs को मिलते हैं जो कि एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 17, वो भी यहां पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी ऑप्शन टू के अंदर। यानी MPs और MLAs को भी कवर किया गया। देन अलाउंसेस फॉर इनकम ऑफ माइनर अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32, जब आपके अंडर माइनर की इनकम क्लब की जाती है तो कुछ एग्जेम्पशंस, कुछ अलाउंसेस मिलते हैं 1032 के अंदर, वो भी यहां पे आपको नहीं मिलेंगे। देन अगर आप SEZ में काम करते हैं तो जो सेक्शन 10AA में आपको एग्जेम्पशन मिलती है, ठीक है, प्रॉफिट के बेसिस पर जो एग्जेम्पशन मिलती है तभी आप एक्सपोर्ट करते हो, वो आपको यहां नहीं मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी। फिर आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो 50,000 की या 40,000 की पहले मिलती थी या 50,000 की मिलती है, तो वो जो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी आपको यहां नहीं मिलेगी। प्लस जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेज या जो प्रोफेशनल टैक्स की आपको डिडक्शन मिल जाती थी वो भी यहां नहीं मिलेगी ऑप्शन टू के अंदर। प्लस सेक्शन 24 एक हाउस प्रॉपर्टी हेड का सेक्शन है जिसमें कि जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, वैकेंट प्रॉपर्टी है, उसके रिस्पेक्ट में जो इंटरेस्ट होती है उस इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाया करती थी, वो डिडक्शन भी आपको ऑप्शन टू के अंदर नहीं मिलेगी। देन आता है
जो डिडक्शन आपको मिलती है एडिशनल डेप्रिसिएशन की, एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)II(a), वो भी आपको यहां नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन की कोई डिडक्शन यहां नहीं मिलेगी। इसी तरह से जो सेक्शन 32(ad) है, सेक्शन 32(ad) किसके रिगार्डिंग बात करता है, अगर आप बैकवर्ड एरियाज में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपको कुछ डिडक्शंस मिलती थी, वो भी आपको यहां नहीं मिलेंगी। 33(ab) और 33(aba) की डिडक्शंस भी नहीं मिलेगी। 33(ab) क्या करता है कि अगर आप टी रबर एंड कॉफी के बिजनेस में एंगेज हैं और कुछ डिपॉजिट्स वगैरह कर देते हैं नाबार्ड के अंदर, तो आपको उसमें डिडक्शन मिलती थी, वो डिडक्शन भी आपको यहां नहीं मिलेगी। अकॉर्डिंगली साइट रेस्टोरेशन फंड में अगर आप डिपॉजिट करते थे तो 33(ab) में डिडक्शन मिलती थी, वो भी आपको डिडक्शन यहां नहीं मिलेगी। देन आता है जो डोनेशंस की वेरियस डिडक्शंस मिलती थी, वो डिडक्शंस भी आपको यहां नहीं मिलेंगी। साइंटिफिक रिसर्च पे आप एक्सपेंडिचर करते हो तो सेक्शन 35 के अंदर आपको उसके अंदर डिडक्शन मिल जाती थी, वो डिडक्शन भी यहां नहीं मिलेंगी। इसी तरह से 35AD बात करता था स्पेसिफाइड एसेट्स की, अगर आप कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस में एंगेज हो, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह, कोल्ड चेन फैसिलिटीज वगैरह, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाती थी, वो एग्जेम्पशंस डिडक्शंस भी यहां नहीं मिलेंगी। इसी तरह से सेक्शन 35CCC, सेक्शन 35CCC बात करता था जब आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स में काम करते हो, कुछ पैसा खर्च करते हो, उस केस में आपको 150% की डिडक्शन मिलती थी, जितना आप एक्सपेंडिचर करते हो उसका 150% आपको डिडक्शन मिल जाती थी, वो डिडक्शन भी यहां नहीं मिलेगी। सिमिलरली फैमिली पेंशन की जो डिडक्शन सेक्शन 57AA में मिलती थी, वो भी आपको यहां नहीं मिलेगी। और जो आपको चैप्टर 6A में डिडक्शंस मिलती थी LIC वगैरह की, ठीक है, LIC की या रीपेमेंट ऑफ होम लोन, EMIs वगैरह की जो डिडक्शन आपको मिलती है, वो डिडक्शन भी आपको यहां नहीं मिलेगी, ऑप्शन 2 के अंदर वो नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हटा दी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या होगा, रिड्यूस रेट्स के अकॉर्डिंग सिंपली आपको टैक्स पे करना होगा विदाउट क्लेमिंग एनी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस। बट सवाल आता है क्या कुछ भी अलाउड नहीं है, क्या सब कुछ ही टैक्सेबल हो जाएगा? तो नहीं, कुछ चीजें अलाउ भी की गई हैं, जैसे कि जो दिव्यांग एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, दिव्यांग एम्प्लॉयज को अपने एक्सपेंडिचर मीट आउट करने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज मिलते हैं, जिसमें वो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाते हैं, वो जो अलाउंसेज मिलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज दिव्यांग एम्प्लॉयज को, उसकी आपको डिडक्शन यहां मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस कई बार क्या होता है, आप ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाते हो जिसके लिए आपको कन्वेंस का रिइंबर्समेंट मिलता है, उसकी अलाउंसेज भी आपको यहां मिल जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो कन्वेंस अलाउंसेज ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी ऑफ एन ऑफिस। इसी तरह से जब आप कहीं बाहर जाते हो, टूर पे जाते हो, तो आपको कुछ अलाउंसेज मिलते हैं टू बियर द कॉस्ट ऑफ द ट्रेवल वगैरह, वो भी आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगी, उस पर भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। प्लस जब आप ऑफिस के काम से बाहर रहते हो, तो नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी से कहीं बाहर जाके आप जब ड्यूटी करते हो, जैसे कुछ लोगों की होती है कि वो आउटस्टेशन जाके रहते हैं, कुछ टाइम पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, उस केस में जो उनको DNS अलाउंसेज मिलता है, डेली अलाउंसेज मिलता है, वो डेली अलाउंसेज में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। देन सेक्शन 80CCD(2) में डिडक्शन मिल जाएगी आपको, ठीक है। वैसे नॉर्मली चैप्टर 6A की सारी डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगी, एक्सेप्ट 80CCD सबसेक्शन 2 और 80JJAA। 80CCD सबसेक्शन 2 क्या कहता है, जब आप जो एम्प्लॉयर है, मतलब आप एक पर्सन हो जिसकी बिजनेस एंड इनकम से बिजनेस इनकम जो है वो बिजनेस ऑफ प्रोफेशन से है, तो डेफिनेटली आपने कुछ एम्प्लॉयज रखे होंगे जिनको आप सैलरी प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो अगर आप एम्प्लॉयर हो और आपने क्या किया है, कंट्रीब्यूशन किया है ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय इन नोटिफाइड पेंशन स्कीम NPS में अगर आपने डिपॉजिट किया है, तो उसकी आपको डिडक्शन यहां मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 80JJAA क्या कहता है, जब आप नए एम्प्लॉयज रखते हो तो कुछ कंडीशन मीट करने के बाद आपको एडिशनल 30% की डिडक्शन मिल जाती है, तो वो डिडक्शन भी कंटिन्यू होगी ऑप्शन सेकंड में, आपको वो डिडक्शन ओवररूल नहीं की गई है। अब बात आती है, मैंने कुछ इसमें 3 इलस्ट्रेशंस बनाए हैं, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर ये आती है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सा ऑप्शन चूज करें, ऑप्शन 1 चूज करें, ऑप्शन 2 चूज करें, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर रहेगा, कौन से ऑप्शन में हमको जाना चाहिए। और क्योंकि हमें किसी एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए ऑप्शन चूज करना है बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, तो डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस चीज को समझाने के लिए मैंने 3 इलस्ट्रेशंस आपको ड्राफ्ट किए हैं, उस इलस्ट्रेशंस के अकॉर्डिंग हम ये एनालाइज करेंगे कि कौन से ऑप्शन में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमारी टैक्स लायबिलिटी में। फिर जिस ऑप्शन में हमारी टैक्स लायबिलिटी कम आएगी, रिड्यूस आएगी, लॉजिकली हमें वो ऑप्शन चूज करना चाहिए फॉर आवर पर्पस। तो देखिए सबसे पहला जो मैंने केस लिया है वो लिया है जिसमें आपकी टोटल जो रिसीट्स है सैलरी के थ्रू वह है 15 लाख रुपीज। किस किस तरीके से है, बेसिक सैलरी 7.5 लाख रुपए, एचआरए
3,75,000 रुपए और स्पेशल अलाउंसेस 3,75,000 रुपए, टोटल आपको मिल रहा है 15 लाख रुपीज। उसमें आपके पास स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल है 50,000 रुपए की, प्लस आप एचआरए में क्लेम करते हुए आ रहे हो अब तक 1,65,000 की एग्जेम्पशन। देन आपके पास सेविंग्स भी है, आपकी जो एलआईसी वगैरह है सब कुछ मिला मिलू के आपको एटीसी में जो डिडक्शन मिल रही है वो 1.5 लाख रुपए की मिल रही है। अब ऑप्शन वन में अगर हम जाते हैं तो देखिए हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। हम ऑप्शन वन में जाते हैं तो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिल जाएगी, 1,65,000 का एचआरए मिल जाएगा, देन 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। जो हमारी टोटल इनकम नेट टैक्सेबल इनकम आई वो आई 11,35,000 रुपए। देन उसके बाद हमारी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है टोटल वो बनती है 1,59,120 रुपीज। ये हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वन। वहीं अगर हम ऑप्शन टू में जाते हैं, ना तो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली, ना हमें एचआरए मिला और ना ही हमें एटीसी मिला, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी हो जाती है 1,95,000। पहले ऑप्शन में हमारे को फायदा है, सेकंड ऑप्शन में नुकसान हो गया। ठीक है, तो जो हमारा इलस्ट्रेशन वन है उस केस में हमारे लिए बेटर क्या है, हम ऑप्शन वन चूज करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन टू के इलस्ट्रेशन टू की तरफ। इलस्ट्रेशन टू में हमारी जो टोटल सैलरी है वो 8 लाख रुपीज। बाइफरकेशन क्या है, बेसिक 4 लाख, एचआरए 2 लाख, स्पेशल अलाउंसेस 2 लाख, टोटल 8 लाख। यहां भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मेरे पास अवेलेबल है, एग्जेम्पशन एचआरए की अवेलेबल है 80,000 रुपए की और 1.5 लाख रुपए का एटीसी अवेलेबल है। अगर मैं ऑप्शन वन में जाता हूं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिलेगी, एचआरए 80,000 का मिलेगा और 1.5 लाख की मुझे डिडक्शन मिलेगी, जिससे मेरी नेट टैक्सेबल इनकम हो जाती है 5,20,000 रुपए। मेरी जो टैक्स लायबिलिटी आती है वो आती है 17,160 रुपए की, टोटल टैक्स लायबिलिटी आती है ऑप्शन वन के अंदर। वहीं अगर मैं ऑप्शन टू की बात करूं तो ऑप्शन टू में ना मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा, ना मुझे एचआरए मिल रहा, ना ही मुझे डिडक्शन मिल रही एटीसी वाली, जिसमें मेरी जो नेट टैक्सेबल इनकम आती है वो आती है 8 लाख रुपीज और जिसपे मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती है 46,800 रुपए की। यानी मुझे यहां भी नुकसान है ऑप्शन टू में जाने के लिए, यहां भी मैं क्या चूज करना पसंद करूंगा, ऑप्शन वन चूज करना पड़ूंगा। वैसे यहां पे एक ऑप्शन, एक फायदा और हो सकता है ऑप्शन वन के अंदर, देखिए आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम आ रही है वो 5,20,000 आ रही है। अगर कोई एग्जेम्पशन और अगर आपके पास अवेलेबल होगी या 20,000 रुपए का आप एनपीएस वगैरह कुछ कर देते हैं तो आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगी वो 5 लाख के अंदर आ जाएगी और उस केस में आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑप्शन वन के अंदर, तो और ज्यादा फायदा होगा। देन आता है इलस्ट्रेशन थ्री। इलस्ट्रेशन थ्री हमने इलस्ट्रेशन टू वाला एग्जाम्पल ही कंटिन्यू किया है सेम सैलरी स्ट्रक्चर के साथ, बस हमने इसके अंदर चेंज क्या किया है, इसके अंदर हमने एटीसी की जो एग्जेम्पशंस थी वो उड़ा दी है। यानी आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है, आपको एटीसी में कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है, ऑप्शन वन के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिलेगी, एग्जेम्पशन एचआरए की 80,000 की मिलेगी, डिडक्शन हमारी कोई है नहीं एटीसी की, हमारी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है वो बनती है 48,360 रुपीज, 48,360 हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है। अगर हम ऑप्शन टू में जाते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, एचआरए नहीं मिलेगा, एटीसी की डिडक्शन तो हमारे पास है ही नहीं, हमारी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है वो बनती है 46,800 रुपए। देखिए यहां अगर आप देखोगे तो फायदा हो गया, यहां ऑप्शन टू में जाने में आपको फायदा हो गया। अब देखिए अब हम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, यानी देखिए इलस्ट्रेशन वन के अंदर इलस्ट्रेशन टू के अंदर दोनों में मुझे नए ऑप्शन में जाने में नुकसान था, इलस्ट्रेशन थ्री के अंदर मुझे नए ऑप्शन में जाने में फायदा हो गया, तो मैं क्या चूज करना पसंद करूंगा, डेफिनेटली ऑप्शन टू। यानी मेरे को किस चीज पर डिपेंड करता है कि मेरे को ऑप्शन वन में फायदा होगा या ऑप्शन टू में, वो डिपेंड करता है मेरे सेविंग्स पर, यानी मेरे को कितनी ज्यादा एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं। देखिए नॉर्मली जब हम इंडिविजुअल्स रिटर्न्स फाइल करते हैं तो कुछ इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, उनके पास काफी एक्सेसिव सेविंग होती है, उनके एक्सपेंडिचर कम होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो एलआईसी भी लेते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखे होते हैं या फिर उनके होम लोन चल रहे होते हैं या जो भी है, उनके पास अवेलेबल होती है डिडक्शन एटीसी की। अगर उनके पास एटीसी की एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं, डिडक्शंस अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली उन्हें ऑप्शन वन फायदेमंद होगा। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनका क्या है, वो अपनी मंथ की सैलरी कमाते हैं और उनकी पूरी मंथ की सैलरी एक्सपेंडिचर में उठ जाती है। हाउएवर दे आर अर्निंग अ गुड सैलरी बट स्टिल उनके एक्सपेंडिचर्स भी उसके अकॉर्डिंग ज्यादा हैं और उनके पास ना तो कोई होम लोन है ना ही उन्होंने कोई सेविंग्स कर रखी, तो जब टैक्स लायबिलिटी बात में निकलती है, फॉर एग्जांपल उनकी एकदम आप उन्हें बोलते हो आपके 40,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी बन गई, तो वो लोग थोड़े लाइक दे फील लाइक यार इतने तो मेरे पास है भी नहीं इस टाइम पे 40,000 पे करने के लिए। हम उनसे कहते हैं कि आप 40,000 रुपए बचाने के लिए आप अपनी एलआईसी में इन्वेस्ट कर दीजिए या फिर किसी और मोड ऑफ सेविंग्स में इन्वेस्ट कर दीजिए जिससे आपको टैक्स एक्सेम्पशन मिल जाए।
तो वो लोग ये कहते हैं कि उनके पास इतना स्पेयर अमाउंट ऑफ मनी है ही नहीं कि वो LIC में या किसी और में इन्वेस्ट कर सकें, बिकॉज जो मंथ में वो सैलरी अर्न कर रहे हैं वही उनकी एक्सपेंडिचर हो जाती है। दे डोंट हैव मच स्पेयर अमाउंट ऑफ मनी जिसको वो कुछ सालों के लिए इन्वेस्ट करके डाल दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप सेविंग्स करते हो, चाहे आप LIC में पैसा डालो, आप FDs कराओ, या कोई भी आप अगर अमाउंट ऑफ सेविंग के लिए कोई भी आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो, तो उसके कुछ ना कुछ लॉक इन पीरियड है। ऐसा तो है नहीं कि आपने आज डिपॉजिट किया कल निकाल लिया और आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। सो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं पैसा थोड़ा ब्लॉक हो जाता है। तो हर इंडिविजुअल की इतनी स्पेयर कैपेसिटी नहीं है कि वो उन सेविंग्स के लिए जो टैक्स टैक्स एग्जेम्पशंस को क्लेम करने के लिए सेविंग्स कर सके। तो इन दैट केस ऑप्शन टू मे बी बेटर देन ऑप्शन वन अगर आपके पास सेविंग्स के ऑप्शन नहीं है। तो कंक्लूजन यही है कि अगर आप सेविंग कर सकते हो, अगर यू हैव स्पेयर अमाउंट ऑफ मनी टू सेव टू इन्वेस्ट इन टैक्स सेविंग बॉन्ड्स या टैक्स सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट, इन दैट केस इट वुड बी बेटर टू ऑप्ट फॉर ऑप्शन वन डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टांस। तो आई वुड रादर सजेस्ट कि बिफोर ऑप्टिंग एनी ऑप्शन फर्स्टली यू शुड कैलकुलेट योर इनकम टैक्स लाइबिलिटी अंडर बोथ द सिनारियोज। हर एक सिनारियो में आप कैलकुलेट करके देखो कि भाई मेरे पास इतनी सेविंग्स अवेलेबल है, अगर मैं ऑप्शन वन में कैलकुलेट करता हूं तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी ये बनती है, ऑप्शन टू में मेरी टैक्स लाइबिलिटी ये बनती है, उस हिसाब से जहां बेनिफिशियल हो वहां आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हो। एंड डिपेंडिंग अपॉन आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि वेदर आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाना है या विदाउट इन्वेस्टमेंट जाना है, दैट डिसीजन वुड बी योर्स अल्टीमेटली। देन इसके बाद एक क्लैरिफिकेशन आई थी इसके इसमें। क्लैरिफिकेशन क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, अब समस्या खड़ी हो गई है एम्प्लॉयर के लिए। अभी तक हम TDS काटते थे, हमारे पास एक ही स्लैब रेट थी, जो भी कंपनी है वो सैलरी पे TDS काटता है, तो वो जो जब TDS काटता है उसके पास एक ही स्लैब रेट थी, अब दो स्लैब रेट आ गई। अब दो जो दो स्लैब रेट हैं उनका ऑप्शन कब चूज करना है आपको कि ऑप्शन वन में जा रहे हो ऑप्शन टू में, तो आप जब रिटर्न फाइल करोगे सेक्शन 139(1) के अंदर उससे पहले आप अपना ऑप्शन चूज करोगे। अब एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयर तो सैलरी में से जो TDS काटता है वो तो मंथली बेसिस पे काटता है, अब वो किस स्लैब रेट पे TDS काटे, पहली स्लैब रेट पे काटे या दूसरी स्लैब रेट पे काटे। अब कंपनीज को ये भी डर है कि मान लो अगर हम उसने पहली स्लैब रेट पे काट दी, ठीक है, मान लो बाद में जो एम्प्लॉय है उसने ऑप्शन टू चूज कर लिया और ऑप्शन टू के अंदर उसकी हायर टैक्स लाइबिलिटी निकल रही थी, तो कहीं ना कहीं जो कंपनी है उसने तो शॉर्ट TDS काटा, तो कहीं ऐसा तो नहीं उस पर शॉर्ट डिडक्शन ऑफ TDS का नोटिस आ जाएगा कंपनी को। ये भी एक डर है कंपनी के दिल में कि वो कंपनी किस पे TDS काटे। तो CBDT ने एक सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई किया है कि आपको जो TDS काटना है वो उस ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए काटना है जो कि एम्प्लॉय आपको इंटीमेट करेगा फॉर एनी प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप उसकी सैलरी डिसबर्स कर रहे हो उस प्रीवियस ईयर के लिए जो वो ऑप्शन आपको इंटीमेट कर देगा कि मैं ये ऑप्शन चूज करने वाला हूं एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग, उस इंटीमेशन के बेसिस पर आप अपना TDS काटोगे और उस केस में आपका TDS अगर थोड़ा कम भी कटता है तो शॉर्ट डिडक्शन ऑफ TDS नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, CBDT ने क्लैरिफाई किया, क्या क्लैरिफाई किया, क्लैरिफाई दैट एन एम्प्लॉय हैविंग इनकम अदर देन द इनकम अंडर द हेड PGBP ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन में इंटीमेट द डिडक्टर बींग इज एम्प्लॉयर ऑफ सच इंटेंशन ऑफ ईच प्रीवियस ईयर एंड ऑप्शन सच इंटीमेशन द डिडक्टर शैल कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड मेक TDS देयर ऑन इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115(BA)(c)। ठीक है, तो वो आपको ऑप्शन बता देगा। और अगर एक चीज और, अगर वो आपको ऑप्शन इंटीमेट ही नहीं करता तो आप उसकी करंट सिनेरियो के हिसाब से TDS काटोगे, आप ये मानोगे कि वो 115(BA)(c) का ऑप्शन नहीं लेने वाला, राइट। अब बात आती है कि क्या होगा अगर इनकम PGBP हेड के अंदर है एम्प्लॉय की, जो आप एम्प्लॉय का जिसका आप TDS काटने वाले हो उसकी इनकम कुछ PGBP हेड के अंदर भी है। तो देखिए PGBP हेड के अंदर अगर आपने एक बार ऑप्शन अप्लाई कर लिया तो आप सब्सिक्वेंट ईयर्स में चेंज नहीं कर सकते। तो जब भी कोई कोई ऐसा एम्प्लॉय आपको इंटीमेट करता है अबाउट दी ऑप्शन, तो आपको वेरीफाई करना चाहिए कि लास्ट ईयर उसने क्या ऑप्शन अवेल किया था, और जो ऑप्शन वो आज आपको इंटीमेट कर रहा है वो लास्ट ईयर वाले ऑप्शन से डेविएट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो हर साल अपना जो डिसीजन है वो चेंज नहीं कर सकता। ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरी कि आपको समझ आए कि किस बेसिस पे आपको ये ऑप्शन चूज करना है कि आप नई स्लैब रेट में जाओगे या पुरानी स्लैब रेट में जाओगे। बेस्ड अपॉन दी इन्वेस्टमेंट्स और बेस्ड अपॉन दी कैलकुलेशन आपको हर साल के लिए ये कैलकुलेट करके देखना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और उस हिसाब से आपको अपना ऑप्शन चूज करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।